मॉर्निंग बच्चों, आइए मैं आप लोग को आज घन घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन बताया गया था बाकी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन भेजता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए आपसे कुछ नाराजगी वाले शब्द है। आप फर्स्ट लाना है तो कष्ट करना है। 125 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो। ध्यान दो विद्यार्थी, इतना को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो मैंने आपको बताए थे जब गुणा और भागा का बात रहेगा तो पहले गुणन खंड कर लीजिएगा और जोड़ा मिलाने में गुणा करना मतलब लाना है, गुना करना मतलब लाना है, जोड़ना लाना है। तो विद्यार्थी जोड़ा लगाएंगे तीन तीन के और तीन तीन लगाने के बाद जो कम जाएगा उससे गुना कर ले। यदि भागा का बात कर देगा तो जो जोड़ा में बढ़ गया उससे भागा दे देगा। मैंने बात को पीछे ही बताया। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एक एक दो पांच, तो एक एक दो पांच को है दो चार पांच नौ, तीन से कट जाएगा। एक एक दो दो चार पांच नौ, यदि जोड़ने पर जो योगफल आवे और तीन से कटे तो तीन से लगाया जा सकता है। तो तीन तीया नौ, दो हो गया तो दो तो बाईस, तीन सत्ते इक्कीस है ना, एक चला गया तीन पचे पंद्रह, फिर देखो सात पांच बारह और तीन पंद्रह, तीन से फिर लग जाएगा, तीन है कम, तीन है तीन दूनी छो, तीन पचे पंद्रह। अब देखो पांच दो सात एक आठ, तीन से नहीं कटेगा, अब पांच से लगाएंगे, पांच पांच दूना दस और पांच पचे पच्चीस, पांच से है ने। देखे विद्यार्थी जी, तो इसका गुणनखंड आया तीन गुने तीन गुने पांच गुने पांच गुने पांच। तो देखिए जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तीन के जोड़ा लगाना है। जोड़ा मतलब चप्पल का बात नहीं करेंगे, दो गो का जो मतलब एक जोड़ा, यहाँ घन का मतलब तीन तीन का जोड़ा लगाना है। तो तीन को जोड़ा लगाने के लिए तीन कै गो कम रहा है, तो एक गो कम रहा है। तो सीधे आपका जवाब क्या होगा विद्यार्थी जी कि एक एक दो पांच में तीन से गुणा करने पर परिपूर्ण घन होगा, ये जवाब। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से गुना वाला था है ने? इसका दूसरा में कहता है भाग वाला, आप बना लीजिएगा। इसी में कह रहा यही क्वेश्चन है, एक एक दो में किससे भागा देंगे तो परिपूर्ण बन जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, ये दोनों जो है ये तीनों जो है विद्यार्थी एक जोड़ा हुआ, लेकिन इसका जोड़ा नहीं हुआ तो यही फुट में रह गया, अलग हो गया, तो इसी से भागा दे देना है। किससे? इससे। इससे मतलब तीन गुने तीन मतलब नौ से। तो इसका जवाब दूसरका के, ये पहला होगा नौ लो दूसरका के, एक एक दो पांच में तीन गुने तीन बराबर नौ कहेंगे, ज्यादा हो रहा है ने? से भाग देने पर परिपूर्ण घन होगा, क्योंकि भागा देंगे तो यह खत्म हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ा मिल जाएगा। समझ रहा? तो यही क्वेश्चन को एक बार गुना के रूप में पूछा
और एक बार भागा के रूप में पूछेगा तो गुना के रूप में पूछेगा तो लाना है, और भागा के रूप में पूछेगा तो हटाना है। तो ये दोनों को हटाइएगा, मतलब तीन गुने तीन को नौ को हटा देना है। समझ रहे बात को? देख लिया, देख लिया, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए और बनाइए। आप लोग बनाते नहीं है, ये बड़ी गंदा बात है, बहुत गंदे बात है, नहीं बनाइएगा परेशानी आप लोग होते रहेगा। नहीं भेजिएगा तो हम भी नहीं भेजेंगे। कल कोई भी क्वेश्चन ना आया इसलिए वीडियो नहीं दिया गया। आज देख रहे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं जवाब दूंगा। आज प्लान कीजिएगा तभी हम करेंगे। क्या तीन नौ दो एक पूर्ण धन है? एक प्रश्न, अभी नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसमें तीन सौ बानवे को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए वही क्वेश्चन है, दो चीज इसमें पूछ रहा। क्या 392 एक पूर्ण घन है? तो पहले विद्यार्थी वो 392 को यहां लिख देंगे और 392 को यहां गुणनखंड कर देंगे। दुए कम दुए एक चला गया 19, नौ दुनिया 18, एक चला गया 12, छो दू से नौ दुनिया 18, आठ दुनिया 16, दू से चार दुनिया 8, 49, 7। देखिए विद्यार्थी जी देखा तू 7 × 7 क्या इसका तो तीन का जोड़ा मिल गया, इसका मिला नहीं, तो आपका एक आंसर जवाब हुआ कि 392 परिपूर्ण घन नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था विद्यार्थी कि किसी भी संख्या को चाहे परिपूर्ण घन होने के लिए कहे या परिपूर्ण घन मूल होने के लिए कहे तो पहले उस संख्या को गुणनखंड कर देंगे और तीन समान है तीन समान को एक साथ जोड़ा लगाएंगे, और जब लग गया तब परिपूर्ण घन होगा। लेकिन इसमें लगा नहीं लगा, सात एगो और चाहिए ने, तो नहीं लगा, इसलिए यह परिपूर्ण घन नहीं है। तो यह जवाब मिल गया, यह परिपूर्ण घन नहीं। यदि नहीं तो ऐसा सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो इसमें गुणा करने पर परिपूर्ण घन मूल बन जाए। तो विद्यार्थी इसमें क्या चीज से गुणा करेंगे? गुणा करने का मतलब लाना है, तो क्या है और लाने है? तो सात, क्योंकि दो गो तिहाई एक गो ना चाहिए। तो इसका दूसरा जवाब हुआ पुनः लिख करके कि 392 में 7 से गुना करने पर परिपूर्ण घन होगा। तो दोनों जवाब हुआ, एक आंसर आएगा नहीं और एक आंसर आएगा 7, यानी क्या परिपूर्ण घन है? तो नहीं था, तो क्या गुना करना पड़ेगा? 7 से। 7 कई गो इसके गुणनखंड में है? 2 गो, और जोड़ा कै गो लगाना है? 3 गो, तो घटा कै गो? 1 गो, 1 गो मतलब 7, जवाब हुआ 7। देख लिए विद्यार्थी जी, आप लोग इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन है आगे सब सेम है, सभी क्वेश्चन को आप बनाइए और बना करके जो नहीं बने आप उसको व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को जवाब दूंगा। अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे बना के देते हैं, नहीं बनाइएगा तो कल ये चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा अगला वीडियो में। तो आज से विद्यार्थियों को जय हिंद।